जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अप द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या मैं पहले ये हाइट यानी कि यहाँ पे क्या है, काइट है, ठीक है, काइट है ये हमारा, क्या है काइट 60 मीटर हाई पे ये उड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैं 60 मीटर हो, ये हो गया, ठीक है। अब ये 60 मीटर हाई पे उड़ रहा है, ठीक है, ग्राउंड से, ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब बोला है कि जब द स्ट्रिंग अटैच टू द कैट, स्ट्रिंग अटैच टू द कैट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऑन द ग्राउंड से हमने क्या किया, टाइट से बांध दिया ग्राउंड से, ग्राउंड, द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री विद ग्राउंड से, ठीक है, विद ग्राउंड से कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या फाइंड करना है, ये इसकी हाइट, यानी कि हमारा ए सी हमें क्या करना है, ये वाला स्ट्रिंग जो ये, इसके हमें फाइंड करना है, मैं इसको बोल सकता हूँ ए बी सी, यानी कि इसकी फाइंड करना है हाइट, हमें स्ट्रिंग की फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से हमारा देखो कि जो हमारा ये है ये 60 मीटर है, अब यानी कि हमें ये फाइंड करना है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन में ये हमारा हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है ए सी, ठीक है। अब देखो हमारा ए बी कितना है, हमारे पास ए बी दे रखा है 60 मीटर, और ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, यानी कि एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एंगल सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है हमारा 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब यहाँ से हमारा ये हो गया, अब हमारे देखो क्या लगाऊंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इनमें देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखो हाइपोटेन्यूज और हमें क्या फाइंड, हमारे पास गिवन क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब देखो मैं यूज करूंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो यहाँ से कि इसको, अब यहाँ पे हमारा जो क्या बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, किस में है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन यूज करूंगा, यानी कि साइन थीटा, या थीटा की कितना का 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 60, यानी कि ए बी, और यानी कि हमारा ए बी हो गया इज इक्वल टू ए बी, हमारा परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो साइन 60 कितनी वैल्यू होता है, ये होता है हमारा रूट 3/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है 60, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, यानी कि ए सी हो गया। अब यहाँ से देखो हमारा ए सी हमें, यानी कि हमें ये तो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ए सी इंटू में रूट 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ये कितना हो गया, आप देखो ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा होगा 120 अपॉन में रूट 3। अब इस यहाँ से मैं इसको रूट 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 40 इंटू 3 अपॉन में रूट 3। अब इसको मैं रूट 3 को इसको काटने के लिए क्या करूँगा, 40 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन में रूट 3, ऐसे रूट 3 कट गया, यानी कि हमारा ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 40 रूट 3 मीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ दी देयर फोर, यानी कि हमारा देयर फोर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया, ये आ गया, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 40 रूट 3 मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,